कौन है अश्वत्थामा, जिसका अमिताभ बच्चन कल्कि 2898 AD में निभा रहे हैं रोल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष पर। चैनल बनाए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। कल्कि 2898 AD का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 27 जून 2024 को थिएटर में लगेगी। कल्कि 2898 AD में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित हैं। कौन है अश्वत्थामा? आपको बता दें कि अश्वत्थामा गरुड़ द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृषि के पुत्र थे। अश्वत्थामा की गिनती महान योद्धाओं में होती है। कहते हैं कि अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह ही शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। संतान प्राप्ति के लिए गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने तप किया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र वरदान दिया था और ऐसे में अश्वत्थामा का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा का जन्म होते ही आसमान से घोड़े जैसी आवाज आई थी जो सभी दिशाओं में गूंजी थी, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर सिरोन रत्न नामक दिव्य मणि थी, जिसके कारण अश्वत्थामा शक्तिशाली और अमर थे। महाभारत युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था। साथ ही उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की कोशिश की थी। दरअसल उत्तरा अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी थी, जिसके कारण श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली थी और उसे चिरकाल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा था कि वो हमेशा के लिए अमर रहेगा और अनंत काल तक अकेले ही भटकता रहेगा। वो मरना चाहेगा लेकिन मौत उसे छू नहीं पाएगी। खबर के अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी जानकारी हमने आपको दी है ऑनलाइन मौजूद वेबसाइट और इंटरनेट पर मिली हुई जानकारी के आधार पर दी है। मोक्ष चैनल इसकी कोई भी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि ना ही तो आपसे कोई महत्वपूर्ण वीडियो छूट पाए और ना ही किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस कर पाएँ।